in the end of first session, the first test of Pakistan tour to Australia, and bhai David Warner अलग ही मूड में है, 117 रन अब तक जो है वो बना चुके हैं सेशन में, एंड डेविड वार्नर को बताना पड़ेगा कि भाई टेस्ट खेल रहे हो, T20 नहीं खेल रहे जिस तरह खेल रहे हैं। बट यस, बॉलिंग के जो हमें इश्यूज थे हम देख रहे थे कि होंगे एक यंग बॉलिंग साइड के इश्यूज वो दिख रहे हैं, मगर यंग बॉलिंग साइड में जो लीड कर रहे हैं पैक को उनके ज्यादा इश्यूज नजर आए। योर बैंकिंग ऑन सलमान या आगा एंड सऊद शकील एज योर स्पिनर्स, जो जबकि दोनों बैट्समैन है प्राइमरी, और मतलब सलमान या आगा भी बहुत मतलब कोई ऐसा स्पेशल स्पिनर नहीं है वो, तो फिर यार मुझे नहीं पता कि किस तरह से मैनेज करेंगे। लेकिन वही वाली बात है यार कि वन कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट कि ये टीम अच्छा परफॉर्म करे वहाँ पर और फाइट शो करे, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान टीम है, तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, फाइट करे और शो करे कि हाँ यार दे कैन पुट अप लाइक इट शुड बी व्हाट यू कॉल इट, दे शुड बी रोल ओवर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं क्लियर कट बात करूँ तो दे शुड बी रोल ओवर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। वार्नर इनको जाते जाते बता रहा है कि मेरी आखिरी सीरीज है, लेकिन तानू मैं नहीं छोड़ना, तानू मैं जरा क्रिकेट सिखा के जाऊंगा एक बार फिर। Last time around, he scored 335 not out against Pakistan. So again today, he is doing what he does best. 41 गेंदों पे 50 और अभी भी not out है। गेंदें कम है, रन ज्यादा है। तो 70 out पे जो खड़ा हुआ है, so he is all set to make another 100. और ये वाला जो session है, ये और भी tough हो सकता है पाकिस्तान के लिए, ये जो post lunch है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे सबने सोचा था वैसे ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में पहले टेस्ट में ही ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के ऊपर धावा बोलकर पहले ही इनिंग्स में 117 रन ठोक दिए, जहां पर उस्मान ख्वाजा 41 रन बनाकर नॉट आउट है। डेविड वार्नर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन पिच दिखाकर ये बता दिया कि इसके ऊपर बॉलिंग अच्छी होगी, पर जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स की उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने पिटाई की, ऐसा लग रहा है कि पहले ही इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया रन्स का पहाड़ बना लेगा और पाकिस्तान उसको चेस करने में नाकाम हो जाएगा। और जिस तरीके से बच्चों की तरह ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों ने पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों की पिटाई की, पाकिस्तानी मीडिया ये सब देखकर हजम नहीं कर पा रहा है। जहां पर शाहीन शाह अफरीदी का बहुत बड़ा नाम और बोलबाला था, जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करने आए उनके वो पहले ही ओवर में 11 रन ठोक दिए। इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने प्लान बनाया कि जो भी मेन बॉलर होगा पाकिस्तान का उसके ऊपर हल्ला बोलेंगे और उनको गेम से बाहर कर देंगे। जहां पर अब पाकिस्तानी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो टीम पाकिस्तान ने चुनी है ये मैच के लायक नहीं है और इस टीम में बैलेंस नहीं है, क्योंकि इस टीम में दो जेन्युइन फास्ट बॉलर है और बाकी सब ऑलराउंडर्स। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथ करने के चक्कर में अपने बॉलिंग को वीक कर बैठा, और इसलिए पहले ही सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 117 रन ठोक दिए। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। मैच की सूरत हाल आपके सामने है। पहला मैच, पहला दिन, पहला सेशन, पहला ओवर, पहले ओवर में 14 रन। तो शाहीन शाह अफरीदी ठीक है एज यूज निकले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एट लंच दे हैव 117 रन ऑन द बोर्ड विदाउट लूजिंग अ विकेट। बीच में अब ये तो काउंट नहीं होता ना कि भाई कुछ चांस थोड़े निकले, कुछ क्रिएट हुए, कुछ मिस एंड हिट हुआ और एक आधा कैच ड्रॉप कर दिया। एट द एंड इट इज रिटन 117 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट, कोई विकेट नहीं गिरा। और मीडियम पेसर्स बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ग्लोरी बॉल ढूंढने के चक्कर में, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट, इतना मैच्योर यार, मतलब ठीक है आप छोटी उम्र में क्रिकेट में आए थे, आप अभी भी इतने मैच्योर हैं, इतने मैच्योर हैं कि ग्लोरी बॉल अगर आपको शुरू में ना मिले तो आप अपनी लाइनों लेंथ भूल जाते हैं, गुस्सा आपको चढ़ जाता है। मतलब क्या बच्चे हैं कि आप 16 साल के हैं अभी भी, कि आप पिछले, आप अभी भी 2018-2019 के टूर में अटके हुए हैं कि जहां आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, आप यंग थे, आप अभी भी वही माइंडसेट है आपका, वही सिमिलर माइंडसेट है आपका। थोड़ी सी ही दूर 6 घंटे की फ्लाइट पे हारिस रऊफ
150 की बॉलिंग कर रहे हैं। हारिस रऊफ को भी देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान की अगर आप शाहीन की स्पीड निकाल दीजिए तो 130 की एवरेज स्पीड आपकी बन रही है। तो ये हालात है पाकिस्तान के। अभी डेविड वॉर्नर ने बैक ऑफ द विकेट एक छक्का मारा है, इट हैज एक्सप्लेन दैट द मिजरी ऑफ पाकिस्तानी बॉलिंग। ना पेस है, ना फायर है, ना बाइट है, ना कोई फ्लेयर है, सिंपल सी प्रोसीडिंग्स है। मिचेल जॉनसन ने सही चिंगारी लगाई डेविड वॉर्नर की, 2020 के बाद पिछले 3.5 सालों में ये पहली दफा ऑस्ट्रेलिया का 100 रन का ओपनिंग का स्टैंड है, एंड इट हैज एक्सप्लेन द स्टोरी। शाहीन की बात करें, जब आपका पैक ऑफ द बॉलर ही, जब कोटापा उसको पाड़ा हो, लाठी चार्ज, लीडर ऑफ द पैक, जब उसके ऊपर ही उन्होंने पहले ओवर में 14 रन बना दिए हो टेस्ट मैच के, 3 टेस्ट मैच का टूर, पहला दिन पेस एंड बाउंसी विकेट, आप खुद अपने चक्कर में दुनिया के नंबर वन लेफ्ट आर्मर, अंदर बॉल आपने गलती से क्या, वो बस एक अंदर बॉल लाके रोहित शर्मा को आउट कर दिया, उसके बाद आप अपने ही अपने आप को वसीम अकरम समझने लगे। दिस 11 इज नॉट अ बैलेंस 11 एट ऑल, और पाकिस्तान को बॉलिंग में मुश्किल आएगी इस टेस्ट मैच के अंदर, क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर आप 2-3 ऑलराउंडर्स पर आप बैंक कर रहे हैं, यूर बैंकिंग ऑन सलमान या आगा एंड सऊद शकील एज योर स्पिनर्स, जो जबकि दोनों बैट्समैन प्राइमरी और मतलब सलमान या आगा भी बहुत मतलब कोई ऐसा स्पेशल स्पिनर नहीं है वो, तो फिर यार मुझे नहीं पता कि किस तरह से मैनेज करेंगे। लेकिन वही वाली बात है यार कि वन कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट कि ये टीम अच्छा परफॉर्म करे वहाँ पर और फाइट शो करे, इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान टीम है, तो हम चाहेंगे कि पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, फाइट करे और शो करे कि हाँ यार दे कैन पुट अप लाइक इट शुड बी व्हाट यू कॉल इट, दे शुड बी रोल ओवर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं क्लियर कट बात करूँ तो दे शुड बी रोल ओवर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक मे बी शायद इन्होंने थोड़ा सा इस चीज से भी एक लीफ लिया है, जो मुझे लग रहा है कि जो इंडिया ने लास्ट जब जीता था ऑस्ट्रेलिया में 2021 में, तो उसमें उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को भी खिलाया था, उन्होंने उसको कैसे बोलते अपने ठाकुर को भी खिलाया था, तो उन्होंने भी ऑलराउंडर्स पर थोड़ा सा एम्फेसिस दिया था। लेकिन फिर बात ये थी कि यार इंडिया ने ऑलराउंडर्स से एम्फेसिस दिया, लेकिन उनके पास इफ़ यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दे हैड व्हेन दे प्लेड ऑस्ट्रेलिया, जैसे पुजारा को आप ले लें या अपना कैसे बोलते हैं रोहित खेला उस वक्त, या आपका ऋषभ पंत खेला, और ऋषभ पंत का जो रोल था सबको पता है, तो आई थिंक दैट रोल कुड हैव बीन प्लेड बाय रिजवान। लेकिन बहरहाल चलें, बड़े अरसे के बाद मैं तो देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है 130-135 मैक्सिमम, पहला स्पेल है, पहला मतलब सुबह का पहला सेशन है उसमें ही मतलब 130-132-135, तो ये शाहिनशाह अफरीदी भी यही स्पीड रह गई है, सो दे आर डन एंड डस्टेड। वो एक पाकिस्तान का जो एक नाम होता था फास्ट बॉलिंग को लेके, 140 तो बिल्कुल एक मामूली सी स्पीड कंसीडर की जाती थी, तो 140 एक भी नहीं कोई भयंकर, सारे मीडियम पेसर मोर और लेस एक ही तरह के। खैर शुरू में शाहिनशाह अफरीदी ने बहुत डिसअपॉइंटिंग आगाज किया शुरू से ही, हालांकि वो जो डेब्यूटेंट है उसने 2 ओवर मेडन फेंके, तीसरे में भी ही वाज गुड, ही वाज रियली इंप्रेसिव एट द बिगनिंग। पेस तो चलो उसका भी जो 132-135 है, लेकिन लाइन और लेंथ तो अच्छी मेंटेन करके रखी थी शाहिनशाह अफरीदी, ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, कोई लाइन और लेंथ नहीं, कुछ नहीं। तो खैर अभी सूरत हाल ये है कि जी वार्नर इनको जाते जाते बता रहा है कि मेरी आखिरी सीरीज है, लेकिन तानू मैं नहीं छड़ना, तानू मैं जरा क्रिकेट सिखा के जाऊंगा एक बार फिर, लास्ट टाइम अराउंड ही स्कोर 335 नॉट आउट अगेंस्ट पाकिस्तान, सो अगेन टुडे ही इज डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट, 41 गेंदों पे 50 और अभी भी नॉट आउट है, गेंदें कम है रन ज्यादा है, तो 70 आउट पे जो खड़ा हुआ है, सो ही इज ऑल सेट टू मेक अनदर 100। और ये वाला जो सेशन है ये और भी टफ हो सकता है पाकिस्तान के लिए, ये जो पोस्ट लंच है,